मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल से एक पिता ने अपने ही 8 महीने के बेटे का शव पोस्टमार्टम ना हो इसलिए शव को लेकर फरार हो गया। हालांकि जब पिता अपने बच्चे का शव हॉस्पिटल से ऑटो रिक्शा में लेकर जा रहा था तो अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पिता बच्चे का शव ले जाने में कामयाब रहा। मगर अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने बच्चे के रिश्तेदारों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि 8 महीने का जो बच्चा है उसे कल रात 10:30 बजे के आसपास इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन बच्चे की इलाज के दौरान ओवरडोज कफ सिरप की वजह से मौत हो गई। जब बच्चे को अस्पताल लाया गया था तो पता चला कि उसे निमोनिया है और खांसी की दवा का ओवरडोज उनके परिजन और डॉक्टर द्वारा दिया गया था। जब डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम करना होगा तो बच्चे के पिता ने इसका विरोध किया और वार्ड से अपने बच्चे का शव लेकर भाग गया। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पिता को शील डायघर से हिरासत में लिया है और कलवा अस्पताल में 8 महीने के बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। हॉस्पिटल प्रशासन ने इस पर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। सर पेशेंट को रात को 10:30 बजे हमने भर्ती किया था, तो पेशेंट को न्यूमोनिया, 8 महीने का बच्चा है, न्यूमोनिया हुआ था उसको और उसके बाद में ब्लड रिपोर्ट में भी आया कि उसके खून में इन्फेक्शन फैल गया था। उसको प्राइवेट में कहीं से तो कफ सिरप और दवाइयों का माइल्ड ओवरडोज था। हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जयेश सर ने उसको इमीडिएटली देखा, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, ICU में एडमिट कर दिया उसको। सुबह 5:15 बजे पेशेंट की डेथ हुई। अब चूंकि 8 महीने का बच्चा है, ओवरडोज का मामला और विद इन 24 आवर्स डेथ हुई है, इस वजह से PM कायदे से पोस्टमार्टम करना जरूरी है, इसीलिए पोस्टमार्टम के लिए पेपर्स भेजे गए, पेशेंट के रिलेटिव को इन्फॉर्म किया गया। अब सुबह 7:30 बजे जब ड्यूटी चेंज हो रही थी, सिस्टर्स थे सभी, बाकी काम चल रहा था, पेशेंट के पिताजी 8 महीने के बच्चे को उठाकर भागे। तो सुरक्षा लोगों ने किस तरह से उसको पीछा किया? जब आए नीचे तो सिस्टर ने देखा, सिस्टर भागी उसके पीछे नीचे, सुरक्षा नीचे जब वो आए तो सुरक्षा के लोगों ने उसको अड़ाया। वहाँ पे 5-6 लोग और थे उसके रिलेटिव, तो उन्होंने उनसे झूठ कहा कि इलाज हो गया, हम लेकर जा रहे, ऐसे होता नहीं है, इसीलिए वो उनको डाउट आ गया और उन्होंने ऊपर फ़ोन किया कि क्या सचमुच, कैजुअलिटी में फ़ोन किया, वार्ड में फ़ोन किया कि सर क्या सचमुच एक पेशेंट को हम छोड़ रहे हैं। तब तक सिस्टर भाग कर रही, तो सिक्योरिटी वालों ने उसको रोका, 5-6 लोग थे और जब रोका तो वो तभी पेशेंट को लेकर वो भाग गए और रिक्शा में बैठे। सिक्योरिटी वालों ने बाकी लोगों को रोका और सिक्योरिटी वाले एक जवान बाइक पर उसके पीछे गए, उसका पीछा किया, लेकिन वो रिक्शा निकल गई। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद फिलहाल अभी क्या मामला है सामने? पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब जो भी कही सुनी रिपोर्ट है उससे ये पता चल रहा है कि डायगर से डायगर पुलिस ने उसको रिट्रीव कर लिया है और बॉडी अभी हमारे कैजुअलिटी में। इस तरह से हादसा हुआ है, सिक्योरिटी के बारे में किस तरह से आप सिक्योरिटी से पूछताछ की थी, रिलेटिव कौन कौन थे वहाँ पे और रिक्शा वहाँ पे किस तरह से आई थी, रिक्शा उनके नजदीकी किस? अब यहाँ पर हमने सब ये करके बाहर की रिक्शा को पार्किंग बंद कर दिया है, लेकिन कभी कभार जो रिलेटिव्स आते हैं कैजुअलिटी से डिस्चार्ज होते हैं, उन रिलेटिव्स को पेशेंट को ले जाने के लिए रिक्शा को जस्ट आना और पेशेंट को ले जाना परमिटेड है। किस प्रकार की कार्रवाई की प्रोसेस अभी शुरू है सर? अब तो पेशेंट का अभी ऊपर तो पंचनामा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, अब फिर से जब पेशेंट आया है तो अभी फिर से पंचनामा होगा। अब पेशेंट को वहाँ पर कुछ किया गया है नहीं किया, क्योंकि वो ऑन IV लेकर गए थे, उसको IV निकाला भी नहीं था, ऐसी परिस्थिति में लेकर गए थे, तो अब पूरी जाँच होगी पेशेंट डेड बॉडी की और उसके बाद PM की कार्यवाही होगी पोस्टमार्टम की। ओके, उसके बाद अधिकारियों से जो हायर अप से उनसे बात करके आगे FIR लॉन्च करना होगा, वो कार्यवाही। ओके, थैंक यू सर।